क्लास 9 आज बात करते हैं लेक्चर 4 फ्रेंच रेवोल्यूशन की। तो आपने देखा था कि फ्रांस में किस तरह से लुई 16 के खिलाफ एक पूरी रेवोल्यूशन की तैयारी की जा चुकी थी और लोग उसका प्रोटेस्ट कर रहे थे, खुश नहीं थे लुई 16 के साथ। आप कह सकते हो सिंपली वो राजा के विरोध में आ चुके थे और फ्रांस जो था वो बन चुका था कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन था ये क्या था? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 के बारे में जान लेते हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन नेशनल असेंबली ने बनाया था। 1791 में कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया गया जैसे आप जानते हो, तो उसे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 का नाम दिया गया। The Constitution of 1791 vested the power to make laws in the National Assembly, which was indirectly elected. 1791 का Constitution जो बना, उसने ruling या law making power जो है वो National Assembly को दे दी। National Assembly जो indirectly elected होती थी, indirectly in the sense कि यहाँ पर जो voter होते थे वो एक elected body को elect करते थे और फिर वो इलेक्टेड बॉडी नेशनल असेंबली को इलेक्ट करती थी। तो ये इनडायरेक्ट इलेक्ट की जाती थी और इनडायरेक्ट का मतलब आपको यहाँ पर सिंपली बता दूं मैं कि नेशनल असेंबली में वो मेंबर होते थे जो थर्ड स्टेट के रिचर सेक्शन थे, बिजनेसमैन थे, प्रोफेशनल थे। तो उन्होंने नेशनल असेंबली को अपने कंट्रोल में रखा। गरीब किसान, विमेन, वो अब भी इससे दूर थे। Only men about 25 years of age who paid taxes equal to at least 3 days of a laborer's wage were given the status of active citizens. That is, they were entitled to vote. और यहाँ पर voting right भी आप देखिए किसको दिया गया है। Third assembly में 90, third state में 90% लोग peasant थे, किसान थे। सिर्फ 10% लोग ऐसे थे जो businessman थे या कोई पढ़े लिखे व्यापारी या फिर कोई lawyer ऐसे थे। तो इस नेशनल असेंबली ने वोटिंग पावर भी सिर्फ उन्हीं को दी जिनके पास पैसा था। 25 साल के वो मैन जो 3 वेज के बराबर टैक्स पे करते थे, यानी किसी मजदूर को उस टाइम पे जो वेज एक दिन का पैसा मिलता था काम करने के बदले, वो 3 दिन के पैसों के बदले अगर कोई बंदा वहां पे टैक्स पेयर था तो उसको वोट देने का अधिकार दिया गया। तो आप देख सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन तो है लेकिन ये कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है? अनडेमोक्रेटिक है, पूरी तरह से डेमोक्रेटिक आप इसको नहीं कहेंगे। द रिमेनिंग मैन एंड ऑल वीमेन वर क्लास्ड एज पैसिव सिटीजन, और जो बच गए उन्हें कहा गया पैसिव सिटीजन। तो याद रखना, एक्टिव सिटीजन वो जो वोट डाल सकते थे, पैसिव सिटीजन वो जो वोट नहीं डाल सकते थे। द कॉन्स्टिट्यूशन बिगेन विद द डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन, और कॉन्स्टिट्यूशन की जो शुरुआत थी वो डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन राइट्स के साथ हुई थी। ये डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन अमेरिकन रेवोल्यूशन से लिया गया था और इसमें उन राइट्स की बात की गई थी जो राइट्स किसी भी इंसान के लिए जरूरी है, जो कुदरती तौर पर हर एक इंसान को मिले हैं लेकिन किसी मोनार्की, किसी राजा के अंदर वो नहीं मिलते, जो सिर्फ डेमोक्रेसी में ही पॉसिबल है। तो कॉन्स्टिट्यूशन की शुरुआत इन अधिकारों के साथ हुई। अधिकार क्या थे? राइट टू लाइफ, जीने का अधिकार, फ्रीडम ऑफ स्पीच, बोलने का अधिकार, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन, अपने विचार रखने का अधिकार, इक्वेलिटी बिफोर लॉ, कानून के समक्ष बराबरी का अधिकार, वर एस्टैब्लिश एज नेचुरल एंड इनएलिनेबल राइट। इन राइट्स को पूरी तरह से नेचुरली तौर पर लागू कर दिया गया। Inalienable मतलब अब ये जो राइट्स थे ये कानूनी थे, इनके पीछे सरकार की ताकत थी। लोगों को अब ये अधिकार दे दिए गए जो अधिकार उनके पास अब तक नहीं थे, और इन अधिकारों पर किसी भी तरह का वायलेशन का मतलब था कि वो इंसान जो है सरकार को या पुलिस को या कोर्ट को इसकी शिकायत कर सकता था। तो ये डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन भारत के फंडामेंटल राइट्स को भी इन्होंने गाइड किया है और हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो इन्हीं से मिलते जुलते हैं।
रेवोल्यूशनरी एक जर्नलिस्ट रहा है, एक रिपोर्टर जीन पोल मरा, उसने कमेंट किया नेशनल असेंबली के इस कॉन्स्टिट्यूशन पे। जीन पोल मरात लिखता है, द टास्क ऑफ रिप्रेजेंटिंग द पीपल हैज बीन गिवन टू द रिच। लोगों को वोट देने का अधिकार या लोगों को चुनने का अधिकार या वो लोग जो रिप्रेजेंट करेंगे यानी नेशनल असेंबली में आएंगे, वो अधिकार सिर्फ अमीरों को दे दिया गया है। मतलब नेशनल असेंबली में सिर्फ रिचर सेक्शन ही दिखाई देगा। The lot of the poor and oppressed will never be improved by peaceful means alone. और जब तक ये अमीरों के हाथ में रहेगा, गरीब और दबे हुए मजदूर वर्ग को कोई नहीं देखने वाला, और ना ही कि आप कभी भी सिचुएशन को सुधार सकते हो शांति से। Here we have absolute proof of how wealth influences the law. और यहाँ ये साफ दिखाई देता है कि किस तरह ताकत जो है वो पैसे की तरफ खिंचकर चली आती है। Yet laws will last only as long as the people agree to obey them. लेकिन कानून वही कानून कहलाता है जिसको लोग मानते हैं। अगर लोग कानूनों को मानना छोड़ दें तो उन कानूनों की कोई वैल्यू नहीं रहती। तो आप देखते हैं कि अगर हम किसी कानून को फॉलो करेंगे तभी उस कानून की वैल्यू है। अगर जनता या पब्लिक मना कर दे तो वो लॉ लॉ नहीं रहेगा। तो यही फ्रांस में होने वाला था। जो भी कानून बनाया गया था वो एक अमीर ग्रुप जो था, रिच सेक्शन जो था, उसने बनाया था और गरीबों की उसमें कोई जगह नहीं थी, जबकि गरीब उसको फॉलो करने वाले थे। अब जब गरीबों के लिए यहाँ पर कुछ नहीं था तो गरीब उसको फॉलो नहीं करेंगे और फिर अगेन एक और रेवोल्यूशन होगी जो हम नेक्स्ट उसमें देखेंगे। And when they have managed to cast off the yoke of the aristocrat, they will do the same to the other owner of wealth. Cast off का मतलब होता है उतार देना, योग माने जो कंधे के ऊपर वजन होता है। तो उसने कहा कि ये जो किसान है, इन्होंने बड़े बड़े जमींदारों का वजन अपने कंधों से उतार फेंका है, वो सेम तुम्हारे साथ भी करेंगे। किसके साथ? जो रिचर सेक्शन था थर्ड स्टेट का, जिसने वोटिंग राइट लिया था, जिसने नेशनल असेंबली बनाने का अधिकार अपने हाथ में रखा था। तो उन्होंने कहा कि ये पीजेंट, ये किसान जिस तरह से अपने जमींदारों को हटा चुके हैं अपने रास्ते से, उसी तरह से ये तुमको भी अपने रास्ते से हटा देंगे अगर आप इनकी तरफ ध्यान नहीं देंगे। तो ये नोट मेकिंग नहीं करनी आपको, ये जस्ट समझाने के लिए आपको दिखाया गया है यहाँ पे। ओके, तो ये जीन पोल मरात का कहना था कि भाई जब तक आप देश को डेमोक्रेटिक नहीं बना सकते, जब तक कि सभी समाज के लोगों का उसमें इक्वल रिप्रेजेंटेशन ना हो, आपने किसी को एक्टिव बना दिया, किसी को पैसिव बना दिया, तो आपका समाज कभी भी डेमोक्रेटिक या हेल्दी सोसाइटी नहीं रहेगा। वहां पर दोबारा फिर किसी नई रेवोल्यूशन की, किसी नई क्रांति की संभावना रहेगी। आपके समाज में शांति कब आएगी? जब सभी ग्रुप का, सभी वर्गों का यहां पर रिप्रेजेंटेशन होगा, सभी को एक बराबरी के अधिकार मिलेंगे। How did France become a republic? Now you have seen that France has become a constitutional monarchy and now France is going to be republic. Okay? What is republic? Republic means where head of a country is elected by the people. जब किसी देश का मुखिया लोगों से चुनकर आता है तो उसे कहते हैं republic. तो India क्या है? Republic है. England क्या है? रिपब्लिक नहीं है। इंग्लैंड, इंडिया दोनों डेमोक्रेटिक है, लेकिन फर्क क्या है यहाँ पे? भारत का जो हेड है वो प्रेसिडेंट है हमारा, और वो लोगों से चुनकर आता है, जबकि इंग्लैंड में हेड कौन है देश का? क्वीन। जबकि क्वीन क्या है? पैदाइशी है, लोग उसको चुनते नहीं है। तो भारत एक रिपब्लिक है, इंग्लैंड रिपब्लिक नहीं है, दोनों डेमोक्रेटिक है, ये फर्क है रिपब्लिक का। तो अब आपने देखा था कि फ्रांस जो है उसमें लुई 16 को एज इट इज रखा गया था, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन इंट्रोड्यूस कर दिया गया था। अब उस लुई 16 को भी हटा दिया जाएगा,
What happened there? Although Louis XVI had signed the constitution, he entered into a secret negotiation with the king of Persia. हालांकि लुई 16 ने कॉन्स्टिट्यूशन पे साइन कर दिए, लेकिन उसने चुपचाप बिना किसी को बताए किंग ऑफ पर्शिया के साथ एक नेगोशिएशन, एक संधि कर ली, बातचीत कर ली, एक प्लान बना लिया। प्लान किस चीज का? कि हमारे यहाँ पर इन लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन हट बना दिया है और मेरी पावर को लिमिटेड कर दिया है, तो जल्दी आकर इन लोगों को रास्ते से हटाओ, इस रेवोल्यूशन को दबाओ। ये उसने किंग ऑफ पर्शिया से बातचीत की, क्योंकि उसका अपने हाथ में अब कुछ होल्ड नहीं था, ना सेना उसके हाथ में थी, ना उसके हाथ में पावर रह गई थी। तो उसने कहा कि किंग ऑफ पर्शिया फ्रांस में आकर मेरी मदद कर, ये जो लोग हैं, ये जो नेशनल असेंबली है, इसको मेरे रास्ते से हटा। रूलर ऑफ द अदर नेबरिंग कंट्रीज टू वर वरीड बाय द डेवलपमेंट इन फ्रांस। और फ्रांस के पड़ोसी देश ऑलरेडी इस चीज से डर चुके थे, जो राजा महाराजा थे फ्रांस के आसपास के देशों के, तो पर्शिया इसका पड़ोसी है, उनके अंदर भी ये डर आ गया था कि भाई कहीं ये रेवोल्यूशन हमारे देश में ना हो जाए, लोग हमें हमारी गद्दी से उतार के ना फेंक दें। तो उन्होंने कहा कि इस फ्रांस के रेवोल्यूशन को दबाओ। लुई 16 ने उनको कहा कि भाई आके मेरा साथ दे। और इनका भी अपना पर्सनल फायदा क्या था कि इनके देश में फिर रेवोल्यूशन नहीं होगी, अगर ये एक हो जाएंगे तो ये जो क्रांतिकारी है, रेवोल्यूशनरीज है, इनको ये शांत कर देंगे, मार पीट कर या फिर कैसे भी। तो किंग ऑफ पर्शिया और लुई 16 ने मिलकर फ्रांस में नेशनल असेंबली को रास्ते से हटाने का प्लान बना लिया। लेकिन इससे पहले ये प्लान बनाते, नेशनल असेंबली को इस बात का पता चल गया। द नेशनल असेंबली वोटेड इन अप्रैल 1792 टू डिक्लेयर वॉर अगेंस्ट पर्शिया एंड ऑस्ट्रिया। तो नेशनल असेंबली ने वोटिंग की और कहा कि भाई पर्शिया हम पर अटैक करे, इससे पहले हमें उस पर अटैक करेंगे। और 1792 में इन्होंने पर्शिया और ऑस्ट्रिया पर अटैक कर दिया। और नेशनल असेंबली की जो सेना थी वो थी वॉलंटियर की सेना, वॉलंटियर सभी वो लोग फ्रांस के जो जवान थे, जिनके पास ताकत थी, उन्होंने अपने आप को सेना में भेज दिया, सेना में जाके वो शामिल हुए और नेशनल असेंबली की तरफ से पर्शिया और ऑस्ट्रिया से लड़े, क्योंकि उन्होंने कहा था कि ये लड़ाई है कॉमन मैन वर्सेस नोबिलिटी एंड अरिस्टोक्रेसी, आम आदमी की लड़ाई है एक विशेष आदमी के साथ। तो यहां पर ये थी आम आदमी वर्सेस राजा महाराजा जमींदार। तो इस तरह से सभी फैमिली मेंबर ने, जो भी फ्रांस के लोग थे, उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया और इस जो लड़ाई के नतीजे रहे वो काफी खतरनाक रहे। फ्रांस की जो आपको पता है इकोनॉमिक हालत थी वो पहले वीक थी और इस लड़ाई में और ज्यादा खर्चा हुआ नेशनल असेंबली की तरफ से। जो लोग अपने घरों में कमाते थे वो लड़ाई में चले गए, फ्रंट में चले गए, तो घरों में काम करने का काम विमेन ने किया, उन्होंने जिम्मेदारी निभाई। तो इस तरह से फ्रांस के समाज में चेंजेस आ गए, विमेन सब एक इम्पोर्टेंट मेंबर बन चुकी थी फैमिली का, क्योंकि आदमी फ्रंट पे लड़ रहे थे नेशनल असेंबली की तरफ से और विमेन घर को चला रही थी। तो यहीं से आवाज उठती है औरतों के अधिकारों की। औरतों ने कहा जब हमने हर जगह इक्वली पार्टिसिपेट किया है, हमने फैमिली में उतना इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है जितना आदमी प्ले करता है, तो हमें भी उतने ही अधिकार मिलने चाहिए जितने किसी आदमी को, मैन को मिलते हैं। The Constitution of 1791 gave political rights only to the richer section of society. ये आपको पता है कि 1791 Constitution कहता था 25 year age हो और tax payer हो उसी को वोट देने का अधिकार है, तो बाकियों को पैसल सिटीजन माना था। तो यहाँ पर क्या हुआ? Political clubs became an important rallying point. अब political club बनने लगे थे। Political club मतलब लोगों के ऐसे groups जो politics के बारे में बहस करते थे, बात करते थे। The most successful of these clubs was the Jacobins, which got its name from the former convent of Saint Jacob in Paris. और इन सारे political club में सबसे important club बनकर उभरा Jacobin, जो Saint Jacob के नाम पे जाना जाता था।
सेंट जैकब फ्रांस के बहुत ही बड़े संत थे, लोगों की भलाई के लिए उनको जाना जाता था। तो उनके नाम पे एक पॉलिटिकल क्लब बना सेंट जैकोबिन, और विमेन ट्रू हु हैड एक्टिव थ्रू आउट द पीरियड फॉर्म देयर ओन क्लब, विमेन्स ने भी अपने खुद के क्लब बनाए। द मेंबर ऑफ द जैकोबिन क्लब बिलोंग मेनली टू द लेस प्रोस्पीरियस सेक्शन ऑफ द सोसाइटी एंड हुआर द मेंबर ऑफ जैकोबिन क्लब। तो जैकोबिन क्लब के मेंबर थे समाज के गरीब तबके के लोग, पीजेंट, आर्टिजन्स, वर्कर, दे आर द मेंबर ऑफ जैकोबिन क्लब्स। दिस जैकोबिन केम टू नोन एज द सैंस कुलोट्स, लिटरली मीन दोज विदाउट नी ब्रिजेस। तो जो जैकोबिन क्लब के मेंबर थे ये नी ब्रिजेस नहीं पहनते थे। नी ब्रिजेस क्या होता है? जो अमीर लोग पहनते हैं। तो इनकी कपड़े जो थे, इनकी जो वर्दी कह लो आप, इनकी जो ड्रेस है वो कह लो, वो डॉक वर्कर जो शिप्स पे काम करते हैं मजदूर, उनके जैसी थी। ब्रिजेस कहते हैं अंडरवेयर को। तो विदाउट अंडरवेयर, विदाउट यहां तक घुटनों तक, जो हाई क्लास राजा महाराजा पहनते थे उनमें आप देखोगे तो ये एक पजामा है, सिंपल पजामा, लंबी लाल धारियों वाला। तो इसे कहा जाता है विदाउट नी ब्रिजेस, और इनको कहा जाता था सैंस कुलोट्स, और जो साथ में लाल टोपी भी पहनते थे। इस लाल टोपी का मतलब होता था लिबर्टी, रेड कैप सिंबल ऑफ लिबर्टी, और दिस इज नोन एज सैन क्लोज। देयर लीडर वॉज मैक्सविलियन रोबस्पियर, और इनका नेता था मैक्सविलियन रोबस्पियर। इन द समर ऑफ 1792 द जैकबिन्स प्लान्ड एन इंसरेक्शन। तो 1792 में यहां पर जो जैकबिन क्लब के मेंबर थे इन्होंने इंसरेक्शन कर दिया, अटैक कर दिया। अटैक किस पर? जो नेशनल असेंबली की सरकार थी उस पर। ऑन द मॉर्निंग ऑफ अगस्त 10 दे स्टॉर्म द पैलेस ऑफ ट्यूलरीज, मैसेकर द किंग गार्ड एंड हेल्ड द किंग हिमसेल्फ एज होस्टेज फॉर सेवरल आवर्स। 10 अगस्त को इन्होंने ट्यूलरीज के महल पर हमला किया, जो राजा का एक निवास स्थान था जहां पे किंग रहता था, और किंग को बंदी बना लिया। लेटर द असेंबली वोटेड टू इम्प्रिजन द रॉयल फैमिली, और बाद में राजा को फिर जेल में डाल दिया गया उसके परिवार के साथ। इलेक्शंस वर हेल्ड फ्रॉम नाउ ऑन ऑल मैन ऑफ 21 ईयर ऑफ एज रिगार्डलेस ऑफ वेल्थ गॉट द राइट टू वोट। और यहां पर बहुत बड़ा चेंज आया। चेंज क्या आया कि वह वोटिंग पैटर्न चेंज कर दिया गया, 21 साल की एज कर दी गई, और वेल्थ होना जरूरी नहीं रहा। यानी अब सभी के लिए वोटिंग राइट था, जो भी 21 साल से ऊपर थे, गरीब हो या अमीर हो। लेकिन एक प्रॉब्लम थी कि अभी भी मैन को शामिल किया गया था, विमेन को नहीं। द न्यूली इलेक्टेड असेंबली कॉल्ड कॉन्वेंशन। अब नेशनल असेंबली का नाम बदल दिया कॉन्वेंशन। अब ये याद रखना, पहले थी स्टेट जनरल, फिर आई नेशनल असेंबली, और अब नाम आया है द कॉन्वेंशन। On 21 September 1792, it abolished the monarchy and declared France a republic. और 21 सितंबर 1792 को वो दिन आया जब फाइनली फ्रांस को रिपब्लिक घोषित कर दिया गया। रिपब्लिक यानी यहाँ पर जो हेड होगा वो इलेक्टेड होगा, लोगों से चुनकर आएगा। और हेड कौन बना यहाँ पर? जो जैकोबिन का हेड था, मैक्सविलियन रोबस्पियर। लुई 16 वाज सेंटेंस्ड टू डेथ बाय अ कोर्ट ऑन द चार्ज ऑफ ट्रीजन, और बाद में लुई 16 पर मुकदमा चला और उसको मौत की सजा सुना दी गई। तो मौत की सजा मानी जाती थी जिलोटिन के थ्रू। जिलोटिन में एक ब्लेड होता था, ये ऊपर से आकर सिर के यहां पर गर्दन पे लगता था, गर्दन अलग हो जाती थी और बंदा की डेथ हो जाती थी। तो इस तरह से लुई 16 को मौत के घाट उतार दिया गया, और 21 जनवरी 1793 को पब्लिकली सबके सामने उसको मौत के घाट उतार दिया गया, और ठीक उसके बाद उसकी क्वीन मैरी एंटोनिएट को भी मार दिया गया। तो ये थी कहानी लुई 16 की एंडिंग की।
नेक्स्ट बात करेंगे रेवोल्यूशन के प्रभाव क्या पड़े, क्या इंपैक्ट रहे इसके. ओके, दिस इज एंड ऑफ लेक्चर 4. स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट. थैंक यू.